श्रीलंका की जो टीम पाकिस्तान को टी20 सीरीज में 3-0 से हरा कर आई थी वो टीम इंडिया के सामने चारों खाने चित हो गई। आपको बता दें कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर महज 142 रन ही बना पाई, तो वहीं जवाब में ये लक्ष्य टीम इंडिया ने 15 गेंद पहले ही जीत लिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया की जीत में उसके गेंदबाजों और बल्लेबाजों का अहम योगदान रहा। गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वहीं कुलदीप यादव और नवदीप सैनी को 2-2 विकेट मिले। इसके बाद बल्लेबाजों में केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 45, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने 32 और विराट कोहली ने नाबाद 30 रन बनाए, तो वहीं 18 रन देकर 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज नवदीप सैनी को मैन ऑफ द मैच मिला। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेज श्रीलंका का पहला टी20 मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना था 5 जनवरी को, लेकिन मौसम की मार झेलनी पड़ी इस मैच को और मैच हो गया रद्द। लेकिन दूसरा टी20 मैच 7 जनवरी को खेला गया, दिन मंगलवार था और 7 बजे शाम को इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये मैच हुआ और टॉस जीतकर विराट ने सबसे पहले गेंदबाजी चुनी और श्रीलंका ने 142 का टारगेट दिया, तो वहीं जवाब में विराट की सेना ने इस मैच को जीत लिया। अब देखना ये होगा कि आखिरी और तीसरे टी20 मुकाबले में इंडिया क्या कुछ कमाल करती है। नेक्स्ट 10 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।